खाली है, बस दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा इसका सेंटर पूरा कंट्रोल, जहां से मैं भी आपको कंट्रोल करके दिखा रहा था। तो एवरीथिंग इज हियर। हेलो गाइस, दिस इज अनी एंड वेलकम टू टर्बो एक्सट्रीम। तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली, होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। तो आज हम चल रहे हैं ऑटो बेस्ट एम्पीरियो। बहुत दिन हो गए ऑटो बेस्ट एम्पीरियो में गया नहीं, टाइम नहीं मिल रहा सच बताऊं तो। ऑटो मार्क पे मेरी ड्यूटीज ऐसी लगा रखी थी कि ऑटो बेस्ट जा ही नहीं पाया। तो ऑटो बेस्ट चलते हैं, कुछ शोरूम दिखाऊंगा, एक वॉक अराउंड दूंगा, प्लस कोई कार बाहर निकालेंगे, उसको एक्सप्लोर करके अच्छे से डिटेल में एक रिव्यू करेंगे। लेट्स मूव टू ऑटो बेस्ट। उससे पहले एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, मेरे को किसी ने कुछ गिफ्ट दिया है। तो हिमांशु ने मुझे गिफ्ट दिया है, इंस्टा हैंडल उनका है bike_animal, एंड बिलीव मी गाइज ही इज अ वेरी ग्रेट आर्टिस्ट। सो दिस इज अ स्केच जो हिमांशु मेरे लिए लेके आए, एंड बिलीव मी गाइज डिटेल देखो इसकी, भाई बहुत ही तगड़ा बनाया, भाई बहुत ही तगड़ा, मजा ही आ गया देख के। तो हिमांशु वेरी वेरी थैंक यू इसके लिए, बहुत ही प्यारा बनाया आपने। हिमांशु चंद्रा पूरा नाम, एंड इंस्टा आईडी स्क्रीन पे आ गई है गाइज, इनको फॉलो करो। बहुत ही अल्टीमेट बनाते हैं भाई, बहुत ही अल्टीमेट। आज की मेरी राइड है ये, और इसकी जरा हालत देख लो कैसी हो रही है। ये देखो इंटरनेशनल हालत है, यहाँ से शीशा उड़ा हुआ है, आगे से डेंटेड है, अगेन यहाँ पे एक डेंट आया हुआ है। ये बहुत ही बुरी हालत में है गाड़ी, छत पूरी फेडेड है इसकी, इवन पीछे से भी बहुत बुरी हालत है इसकी। तो ये पूरा फेड हो चुका है कलर। तो भाई ये कार अपन पूरी रेस्टोर करने वाले हैं, रेस्टोर मतलब एक पूरा रेस्टोरेशन वीडियो बनेगा इस कार का। एंड एक्चुअल में मतलब इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पूरी तो खैर रीपेंट होगी, पर रीपेंट के अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, तो वो प्रॉब्लम्स अपन ठीक करेंगे कम से कम पैसे लगा के। 80-90,000 रुपीज़ खर्च होंगे, क्योंकि इसका इंटीरियर भी कराना पड़ेगा, इंटीरियर भी बहुत बुरी हालत में है। तो ये खड़ी अपनी वायरल, और दिखाऊंगा एक बार झलक देखनी है, चलो दिखाई देता हूँ। भाई देख लो झलक, गंदी हो रही है वैसे थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं, करेंगे इसको भी साफ, इसकी वॉशिंग बाकी है तो वॉशिंग करेंगे एक दिन बैठ के अच्छे से। तो भाई ये यहाँ से खुलती भी नहीं है, अभी ये खोलनी पड़ेगी अंदर से, तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर। ये पावर विंडो भी काम नहीं कर रही है, ये ग्लास भी गायब है, एंड ये देखो कुछ हालत इसकी है। तो भाई अल्टीमेट हालत में है। अब इसकी ये चाबी है, ये यहाँ पे चाबी लगी हुई, तो ये रही इसकी चाबी, और लॉक सिस्टम भी ख़राब हो रहा है इसका पूरा। तो अब ये चाबी से मेरे को इसी से ऑन करना पड़ेगा। तो ये हुआ ऑन, ये हुआ सेकेंड ऑन, देखो दो चाबियों से कार चालू हो रही है। अरे वाह क्या बात है। मैं पहुंच गया हूँ ऑटो बेस्ट एम्पीरियो, और छोटा सा वॉक अराउंड अगेन, वैसे हर बार आता हूँ तो दे ही देता हूँ, बट आज भी फिर से दे देता हूँ। तो यहाँ खड़ी है एक 730 LD, दिस इज अ लॉन्ग व्हील बेस कार, इंटीरियर इज अमेजिंग, और ये कार वैसे भी बहुत स्पेशल ही होती है। दिस इज रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, इसका वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हो, नहीं देखा है तो देख लेना। दिस इज S-Class S500, इसका भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, इसका भी कार्ट ऊपर आ गया होगा, कार्ट में देख लेना। दिस इज अगेन बायोग्राफी। देन GLS 354 Matic, एज दिस कार इज बिग एंड ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड, इंटीरियर देख लो थोड़ा सा लॉक्ड है अभी। तो दिस इज अगेन रेंज रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स। मैं थोड़ा सा रोड पे आ गया हूँ, तो यहाँ से अब ये पूरी कार जितनी भी दिख रही है पीछे तक, ये सारी अपनी है। ये रहा शोरूम, ऐसा दिखता है बाहर से।
तो अपन आ गए सीधा कार के अंदर, बाहर से दिखाने का मुझे टाइम नहीं मिला, पार्किंग से बाहर निकाली और मैं राइड पे चला गया। तो हम यहाँ से जा रहे हैं ऑटो मार्क। आज ऑटो मार्क पे काम है, वो काम करना बहुत जरूरी था, तो मुझे लगा चलो मैं व्लॉग भी कर लेता हूँ, आप लोगों से थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी, प्लस कार के बारे में भी बता दूंगा। तो व्हाट आई एम ड्राइविंग इज 730 LD BMW। एल डी मतलब लॉन्ग व्हील बेस वाली कार होती है ये, एंड ऑनेस्टली बताऊं तो ये कार एक ऐसी कार है जिसको आप खुद भी चला सकते हो और आप पीछे बैठने का ज्यादा मजा ले सकते हो। पीछे बैठने का मजा अभी तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं खुद ही चला रहा हूँ, बट मैं एक जगह कार रोक के एक तो कार आपको बाहर से दिखाऊंगा प्लस पीछे के कंप्लीट फीचर्स कवर कर दूंगा। सो दिस कार इज कम्प्लीटली इक्विप्ड। इक्विप्ड मतलब इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं और पूरी कार भरी हुई है। एज इट्स अ एक्सपेंसिव कार तो लोडिंग तो होगी। तो गाइज अब बात करते हैं इस कार के प्राइस की। तो आज पहले प्राइस बता रहा हूँ क्योंकि हमेशा मैं प्राइस बताना भूल ही जाता हूँ, तो वीडियो बनाते बनाते इतने मस्त हो जाते हैं अपन कि मैं प्राइस बताना भूल जाता हूँ। लास्ट टाइम भी बहुत कंप्लेन की आप लोगों ने कि सर प्राइस क्यों नहीं बताते। तो दिस इज 2013 मॉडल, 49,200 किलोमीटर चली हुई कार है ये। और इसका ओरिजिनल अगर आप नहीं खरीदने जाते हो या उस टाइम पे जो प्राइस था दैट वॉज 1,42,00,000, 1,42,00,000 रुपए की कार है ये। और कार तो भाई चलाने में मजा भी आ रहा है और लग्जरी भी है। इस कार की जो डिमांड है अभी वो है 36,75,000 रुपीस, तो डील क्रैक है कर लो। बिलीव मी अगर हम इसको 36,75,000 पे गिनते हैं तो 36,75,000 में ये कार बहुत ही आई नेक्स्ट लेवल है, एक्चुअल में नेक्स्ट लेवल है। तो इस कार की पावर की बात करते हैं, इंजन की बात करते हैं, तो दिस इज 3 लीटर डीजल इंजन, 3000 cc का डीजल इंजन, 258 bhp है ये और इनलाइन 6 इंजन है ये। तो कार भाई चलाने में बड़ा मजा आ रहा है। तो दोस्तों ये है इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन एंड दिस इज कम्प्लीटली मैनेजेबल। मैनेजेबल मतलब आप कुछ भी इसके अंदर आप देख सकते हो प्रॉपरली। स्क्रीन इज वेरी गुड, वेरी ब्राइट, एज आपको दिख ही रहा होगा। इसमें नेविगेशन भी है कार में, तो जैसे मैंने ये नेविगेशन दबाया तो ये नेविगेशन कम्प्लीटली आ गया। तो नीचे इसके अंदर फिर आ गए ये एयर वेंट्स, देन ये इंडिकेटर का बटन, लॉक अनलॉक ऑफ कार, जब आप चला रहे हो या खड़े हुए हो तो आप गेट को लॉक अनलॉक यहां से कर सकते हो। दिस इज इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, तो इंजन आप यहां से ऑन एंड ऑफ करते हो। देन यहां पे आ जाता है कम्प्लीटली सीडी कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल। तो ये पूरा सीडी अगर आप इस पे डाल देते हो तो यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो सीडी को, ट्रैक्स को। नॉर्मली आजकल वैसे सीडी को यूज करता नहीं है। देन एसी, तो एसी इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। 4 जोन मतलब एक जोन यहाँ पे, एक जोन यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ का अलग यूज कर सकता हूँ, इधर का अलग यूज कर सकता हूँ। टेम्परेचर सेटिंग्स एवरीथिंग वैसे ही सेम, पीछे भी मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ पीछे से। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मतलब चार जने अपनी अपनी सेटिंग अलग अलग कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये 2 कप होल्डर, उसके बाद ये इसका गियर लीवर आ गया। गियर लीवर अभी मैं ड्राइव मोड पे चल रहा हूँ, ये ड्राइव पे है, देन न्यूट्रल, देन रिवर्स, और जो भी आपको चेंज करना हो तो बस इस मोड को दबाओ और चेंज कर लो। तो स्पोर्ट्स मोड पे डालना हो तो बस सिंपल है कि इसको इधर कर दो और ये स्पोर्ट्स मोड पे आ गई। तो स्पोर्ट्स मोड पे अब अगर गियर मेरे को अप या डाउन करने हो तो ये सिंपल, ये मैंने माइनस किया तो गियर ड्रॉप हो गया, ये मैंने प्लस किया तो गियर अप हो गया, बहुत सिंपल है गियर। देन इसके अंदर मोड्स भी हैं, सो दिस इज ट्रैक्शन, आप ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हो। ट्रैक्शन ऑफ अगर आपको ड्रिफ्टिंग करनी हो, एज दिस इज अ रियर व्हील ड्राइव कार तो आप इस पर ड्रिफ्टिंग कर सकते हो अगर आप ट्रैक्शन ऑफ कर दो तो। देन स्पोर्ट्स मोड, कंफर्ट मोड, 2 इसके अंदर मोड है, आप कैसा भी यूज कर सकते हो। कंफर्ट में रखोगे तो गाड़ी बहुत ही आराम से चलेगी, इकोनॉमिकली चलेगी, एवरेज अच्छा देगी कार। स्पोर्ट्स पे कर दोगे तो पावरफुल हो जाएगी एंड आप किसी भी तरीके से चला सकते हो कार जैसे आप ड्राइविंग कंडीशन में चलाना चाहो। तो भाई इसमें है एम्बिएंट लाइटिंग। एम्बिएंट लाइटिंग में इसमें 2 मोड आते हैं, एक आता है मॉडर्न और एक आता है क्लासिक। मॉडर्न में लाइट्स वैसे व्हाइट सी आती हैं और क्लासिक जैसे ही लेते हैं तो थोड़ी सी ऑरेंज लाइट हो जाती है। तो लाइट अभी दिखेगी नहीं क्योंकि मैं बहुत रोशनी में हूँ। एम्बिएंट लाइटिंग थोड़ा सा अंधेरे में जाके मैं आपको दिखा दूंगा अगर मौका मिलिया तो। भाई इसके अंदर कैमरा भी है, कैमरा अभी ये ड्यूल दिखा रहा है आसपास लेफ्ट और राइट। वैसे इसका कैमरा 360 है।
भाई दोस्तों इसकी पावर देख लो, आगे थोड़ी सी रोड खाली है, बस दिखा देता हूँ। ये देखो तो भाई पावर अमेजिंग है, सीरियसली बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी कार है, बट स्टिल कार के साइज के हिसाब से इसकी पावर अल्टीमेट है, अल्टीमेट। और वैसे भी BMW पर्टिकुलर जितनी भी कार्स होती हैं वो ड्राइविंग अगर डायनेमिक्स की बात करो तो बेस्ट होती है। मतलब अगर आपको कोई कार वाकई में चलाने का मजा लेना है तो BMW से अच्छी कार कोई भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। मैंने इतनी कार्स चलाई हैं, मेरे पास खुद के पास मर्सिडीज है, बट चलाने में जो मजा BMW में आता है, जो कॉन्फिडेंस BMW में आता है, वो किसी कार में नहीं है। तो मैं पहुंच गया हूँ अब अपने दूसरे शोरूम पे, दूसरा शोरूम मतलब ऑटो मार्क। भाई इस तरीके से दिखता है अपना शोरूम अंदर से, और ये कंप्लीट यहाँ पे सामान रखा हुआ, म्यूजिक सिस्टम, बाकी सारी एसेसरीज, यहाँ पे सारी लाइट्स, एंड देन ऑल द क्लीनिंग एंड डिटेलिंग से रिलेटेड सारा सामान, हॉर्न्स, हेडलैम्प्स, टेबल ट्रेज, ऊपर सारे वूफर्स रखे हुए हैं, देन यहाँ पे कंप्लीट ग्रिल्स। तो यहाँ का पूरा काम हो गया, एंड अब चल रहे हैं अपन वापस से ऑटो बेस्ट इम्पीरियो। ऐसा दिखता है इसका कुछ रिवर्स कैमरा, और दिस इज एक्चुअली 360, तो प्रॉपरली दिखता है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। तो द मीटर इज वेरी डिसेंट, यहाँ पे ये फ्यूल दिखा रहा है, ये फ्यूल है, देन किलोमीटर 71 पेंडिंग, मतलब 71 किलोमीटर और चलेगी इतने फ्यूल में, 49,211 किलोमीटर ये चल चुकी है। देन यहाँ पे ये टेम्परेचर दिखा रहा है कार का, एंड ये नीचे कम्प्लीटली यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन, बैटरी इंडिकेशन मतलब ये एक्चुअली माइक्रो हाइब्रिड होती है, जैसे ही अब मैं कार को अगर चलाने लग जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये बढ़ने लग जाता है यहाँ से, एंड कार की एवरेज बढ़ जाती है इससे। देन यहाँ पे सिंपल कंट्रोल्स ऑन द डोर्स, तो ये अपने पावर विंडो के हो गए, ये बाहर के जो मिरर्स लगे हुए हैं उसके कंट्रोल, सीट की मेमोरी, आप सीट मेमोरी कर सकते हो, तो मेमोरी इसके दो पार्ट पे होगी, एंड दिस इज अ सिंपल लीवर, ये कंप्लीट फाइन लेदर, लेदर पूरा डैशबोर्ड पे भी चल रहा है और बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। तो सीट्स देख लो, सीट इज एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल। तो यहाँ पे एक ये छोटा सा कंपार्टमेंट है, आप इसको लॉक भी कर सकते हो बकायदा। तो ये रहा इसका कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में आप सबसे अच्छी चीज है कि आप बूट को लॉक कर सकते हो, तो यहाँ से आप बूट को लॉक करके छोड़ सकते हो। तो अगर आपने यहाँ से लॉक कर दिया एंड देन आपने इसको बंद करके यहाँ से लॉक कर दिया तो आपका बूट नहीं खुलेगा। देन यहाँ पे ऑक्स है एंड USB है, लाइटर। ट्रैफिक ने आज मजे ले लिए, सच बता रहा हूँ, मैं इतनी देर से ट्रैफिक में झेल चुका हूँ बुरी तरह से, और बस मैं धौला कुआ पहुँचने वाला हूँ और वापस से नारायणा, तो शोरूम के नीचे ही लगा के इसकी पीछे की कंप्लीट कवर करेंगे डिटेल। आगे की डिटेल तो मैंने ऑलमोस्ट शायद आपको सारी बता दी है। एक सनरूफ और रह गई, तो सनरूफ और दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका सनरूफ का स्विच, खुल गई भाई सनरूफ। बंद कर देता हूँ क्योंकि गर्मी भी हो रही है, धूल मिट्टी भी आएगी और धूप भी आ रही है ऊपर से, एक्चुअली सीधी ऊपर से धूप आ रही है। यस, अब ठीक है। ये है इसका ग्लव बॉक्स, ग्लव बॉक्स आशीष आपको खोल के दिखा देंगे। तो ये है इसका कंपार्टमेंट, एंड थोड़ा बहुत सामान इसके अंदर आ जाएगा आराम से, बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा। एक और ग्लव बॉक्स यहाँ पे है, बट ये ग्लव बॉक्स नहीं है एक्चुअली, ये CD चेंजर है, इसके अंदर आप CDs डाल सकते हो 6, एंड दिस इज अ 6 CD चेंजर। भाई अब देख लो इस कार को बाहर से, मैं अपने शोरूम के पीछे की साइड आ चुका हूँ, थोड़ी सी जगह कम थी, एंड लुक एट द किडनी ग्रिल्स जो BMW की बेसिकली चाम होती है, देन द अडप्टिव हेडलैम्प्स। तो हेडलैम्प्स हमेशा BMW के मुझे तो बहुत ही पर्सनली पसंद है, प्लस इसमें जो किट लगा हुआ है ये किट अपग्रेडेड है BMW में लेटेस्ट वाले मॉडल में, तो ये कम्प्लीटली लेटेस्ट शेप में आ गई है, एंड इट्स अ लॉन्ग कार। पीछे का डोर बड़ा है थोड़ा सा आगे वाले से अगर कंपेयर करें तो, टायर एलॉय देख लो, देन पीछे से भी वही सेम किट लगा हुआ है, 730LD टेल लैम्प्स एज ऑलवेज हमेशा ही अच्छी लगती हैं BMW की। तो अब बात करते हैं पीछे वाली सीट की।
तो भाई यहाँ से अब बिल्कुल चेंज हो जाती है स्टोरी, एज क्योंकि ये कार मोर ऑफ रियर कंफर्ट की कार है, तो रिक्लाइनर सीट्स विद मसाजर एंड सेंटर कंसोल विद ये एसी वेंट्स, रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम, देन यहाँ पे ये मिरर्स, बहुत सिंपल सब कुछ, सॉफ्ट क्लोज डोर्स हैं इस कार के। अगर ये डोर ऐसे बंद करता हूँ मैं और थोड़ा सा भी खुला रह जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद कर लेता है, एंड इट्स अ गुड फीचर। इलेक्ट्रॉनिक कर्टन है इस कार में, ये इलेक्ट्रॉनिकली कर्टन खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, सेम एज पीछे का कर्टन भी इलेक्ट्रॉनिक है। तो गाइस इसमें रिक्लाइनर सीट्स है, मैं रिक्लाइन कर रहा हूँ सीट, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो बैक पीछे जा रहा है एंड ये कम्प्लीटली मैं अब कम्फर्ट जोन में आ चुका हूँ। मैं इसको आगे से भी यहाँ से खिसका रहा हूँ पीछे, एंड ये मैं कम्प्लीटली, ये देखो बिल्कुल कम्प्लीट एक सोफा पोस्चर पे आ चुका हूँ, एंड बिलीव मी दिस इज वेरी कम्फर्टेबल। अगर मैं इस पे बैठ रहा हूँ और मेरे को एक लॉन्ग ड्राइव पे, मतलब लॉन्ग रूट पे जाना है या लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना है, तो पीछे तो जो भी बैठा है वो बहुत ही कम्फर्टेबल रहे। तो अब मैं बात करता हूँ इसके रियर टेबल्स की, तो यहाँ पे इसमें रियर टेबल है एंड दिस इज अ रियर टेबल, दिस इज अ टेबल टॉप पूरा बन चुका है। मैं यहाँ पे आराम से लैपटॉप रख सकता हूँ, कुछ रख के खा भी सकता हूँ, एंड इट्स बिलीव मी वेरी कम्फर्टेबल। इफ अगर मैं लैपटॉप पे मुझे कुछ काम करना हो तो मैंने ये स्ट्रेट सीट की, तो ये मैं स्ट्रेट सिटिंग पोजिशन पे आ गया हूँ, ऑफिस वाली पोजिशन पे, एंड आई कैन ईजीली वर्क वाइल गोइंग और वाइल ट्रैवलिंग। सो दिस इज अ रेयर एंटरटेनमेंट सिस्टम जो सीट के पीछे लगा हुआ है, एंड सेम ये यहाँ पे भी लगा हुआ है एंड इधर भी लगा हुआ है, तो इसको मैं कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकता हूँ। ये अभी GPS है, GPS कर रहा हूँ मैं, मेन्यू में जाऊँगा तो ये कम्प्लीटली मेन्यू आ गया, तो मैं जो भी करना चाहूँगा मैं यहीं से ही बैठ के कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये रहा इसका सेंटर पूरा कंट्रोल, जहाँ से मैं अभी आपको कंट्रोल करके दिखा रहा था, तो एवरीथिंग इज़ हेयर, जो यहाँ पे है सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी है, तो कम्प्लीटली पीछे जो सिस्टम है वही आगे भी है और आगे जो सिस्टम है वही पीछे भी है। तो यहाँ से मैं अगर इसको खोलूँगा तो ये ग्लव बॉक्स खुल जाएगा, एंड हेयर आर द बॉटल्स, एंड दिस इज़ चिलर एक्चुअली, ये आप रेफ्रिजरेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस मैं आ गया हूँ शोरूम के अंदर और एक और कार यहाँ पे खड़ी है, सो दिस इज़ अ ब्रांड न्यू एक्चुअली, तो ये वाली है 2016 मॉडल, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू जैसी है एंड 34,000 चली हुई है। तो इसकी डिमांड है 79 लाख रुपीज़ एंड दिस इज 730 LD M Sports। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसकी की भी काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि ये मॉडल नया आ गया, तो इसकी की इज़ डिफरेंट एंड अंदर से काफ़ी फ़र्क है इस कार में। तो ये इंटीरियर है कुछ इस कार का ऐसा, तो जैसे जैसे कार्स नहीं आती जाती हैं डेफिनेटली बहुत सारे उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें ये स्क्रीन का काफ़ी फ़र्क है, ये सेंटर स्क्रीन का है, ये कम्प्लीटली डिजिटल है एंड द कार लुक्स ऑसम अगेन। इस पर पीछे से भी काफ़ी फ़र्क है, तो ये देख लो पीछे से बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें। इसमें सेंटर में यहाँ पे कम्प्लीटली ये स्क्रीन दी हुई है, इट्स अ डिजिटल एंड इट्स अ पैड, आईपैड है, आप इसको बकायदा निकाल के भी यूज़ कर सकते हो। ये निकल गया, तो अगर आपको कोई भी कार लेनी हो तो ऑटो बेस्ट एम्पीरियो पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैंने दो कारें आज दिखाई हैं, दोनों ही BMW 730 है, एक एम स्पोर्ट्स है और एक नॉर्मल है, तो दोनों के प्राइस भी दिखा दिए। अगर कोई भी कार लेनी हो तो ऑटो बेस्ट पे कांटेक्ट कर लो, नंबर अगर आप डायल करके बात करना चाहो तो 8888588886। शोरूम कुछ ऐसा दिखता है, मेरे पीछे से देख लो, बहुत सारा कलेक्शन है, आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, तो दैट वेबसाइट इज www.autobest.co.in। और एंड्रॉयड और एप्पल ऐप भी है, ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू फैमिली।